योर सी एस एस पी एम एस टाइम्स। सो आज हमारा जो सेलेबस हमने डिस्कस करना है, तो उसकी सीरीज़ हमने स्टार्ट की इस्लामिक स्टडीज़ की, पी एम एस सेलेबस की इस्लामिक सीरीज़ में सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। इस्लाम जो है वो क्या है? सिंपली इन वन वर्ड, इस्लाम इज़ अ पीस। अगर आपने कभी डिस्कस करना हो तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को बताना हो एक ही वर्ड में इस्लाम क्या है, तो वो सरासर सलामती है। फिर डिस्कस जो है सेकंड नंबर पे एडवेंट ऑफ इस्लाम। इस्लाम क्या है, इस्लाम जो है कैसे आया, वो हमने डिस्कस करना है। इस्लाम जो है सबसे पहले अरेबियन पेनिनसुला में आया 7th सेंचुरी में। इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले ये है। सेकंड नंबर पे इस्लाम जो कौन लाया, आप सल्लम के थ्रू इस्लाम आया, वो सिटी ऑफ मक्का में पैदा हुए, और 570 जो है मेन डेट है। फिर है आप सल्लम ने जो है वो दीन का पैगाम पहुंचाया, और दीन का पैगाम पहुंचाने में ओपोजिशंस की जो मेन प्रॉब्लम थी, जो वो ओपोजिट कर रहे थे आप सल्लम के दीन को, वो थी कि उनकी जो सरदारी और जो उनका पावर है वो इन्फ्लुएंस हो रहा था। उनकी सरदारी जो है वो उसको थ्रेट था कि अगर आप सल्लम ने दीन इस्लाम फैलाया तो उनका जो सरदारी थी ना वो जाने का अंदेशा था। मोर हम इसको डिस्कस करेंगे सीरत में। फिर आता है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या हैं? इस्लाम के फंडामेंटल्स में जो सबसे पहले फंडामेंटल जो है वो अगर एक वर्ड में बताऊं तो वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। इस्लाम जो है वो मोनोथिस्टिक रिलीजन है जो अरेबियन पेनिनसुला में ओरिजिनेट हुआ, और इसके जो बिलीव्स में से सबसे पहला बिलीव है वो है बिलीव इन वन गॉड। बिलीव इन वन गॉड को भी आप कुछ इस कुरान पाक की आयात जो हैं वो लेकर आप इसको बता सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ के बारे में क्या कहा, और एक माबूद होना क्या है, कि आप अल्लाह ताला ने ही हमें पैदा किया है, वही हमारा क्रिएटर है और ये सारे यूनिवर्स का सस्टेनर है। फिर सेकंड नंबर पे जो है वो प्रॉफिटहुड जो है वो हमारा फंडामेंटल है इस्लाम का। मुस्लिम्स का जो बिलीव है कि प्रॉफिट्स को जो है वो ह्यूमैनिटी को गाइड करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है, और इसमें हिस्ट्री में अगर आप देखें तो उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो हमें एग्जांपल मिलता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाईं। और ये जो है वो उलुल अज़्म पैगम्बर हैं। बाकी जो पैगम्बर हैं उनकी भी नेम इंक्लूडिंग हमने सिर्फ मतलब कि ये जो है आते हैं वो बताएं। फिर है कि कुरान पाक जो है वो भी फंडामेंटल में से एक फंडामेंटल है। वो कैसे है? क्योंकि ये जो है एक होली बुक है इस्लाम की, जिसके थ्रू ह्यूमैनिटी को गाइड किया जाता है। और इसके अलावा जो है मुस्लिम्स का ये बिलीव है कि अल्लाह ताला की जो वही है वो कुरान पाक में, वही के थ्रू कुरान पाक जो है वो नुज़ूल हुआ है, और ये जो है उस बहुत सारे एस्पेक्ट को गाइड करने के लिए दिया गया है, जिसमें मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी और इसके अलावा सोशल जस्टिस के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बाद जो है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम सिंपली, जिसमें रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज और रमज़ान के रोज़े जो हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। फेथ भी इसमें आता है, चैरिटी, ठीक है, नमाज, ज़कात जो सिंपली हमारे होते हैं, तो इसमें ज़्यादा इस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है हमारा एथिक्स और मॉरलिटी के बारे में। इस्लाम बहुत ज़्यादा करता है कि एथिकल लाइफ, ट्रीटिंग विद अदर्स इन रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस एंड पेशन, तो इस्लाम जो है वो एथिक्स और मॉरलिटी का पैगाम देता है। फिर है हमारे पास ब्रदरहुड और यूनिटी। इस्लाम जो है वो ब्रदरहुड और यूनिटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। फिर है हमारा जस्टिस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी इस्लाम बहुत ज़्यादा जोर देता है, इनक्रेज करता है मुस्लिम्स को कि वो लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए, की बेटरमेंट के लिए काम करें। एट द एंड समरी में सिंपली कि हमने थोड़ा सा डिस्कस किया इस्लाम के फंडामेंटल्स, जिसमें बिलीव्स आते हैं, प्रॉफिटहुड और ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर है यूनिटी और जस्टिस के बारे में डिस्कस किया हमने, और फिर प्रिंसिपल्स के बारे में कि इस्लामिक बिलीव्स क्या हैं और ये सारे जो हैं किस तरह से गाइड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस देन यू कैन कमेंट कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल।
आज हमने जो कॉन्सेप्ट और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करना है कि इस्लामिक स्टडीज़ में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने थोड़ी बहुत नो हाउ आपको देंगे। उसमें से सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस होती क्या है। कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, और इसके अलावा इम्पोर्टेंस जो है वो हमें ये बताती है कि कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ को समझने के लिए और उसकी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए और जो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उनको देखकर उस चीज़ को किस तरह से हमें अंडरस्टैंड करना है। इम्पोर्टेंस हमें ये बताती है, और कंसेप्ट क्या है कि कुछ जर्नल या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इवेंट को या फिर किसी भी फिनोमिना को किस नज़रिए से देखते हैं। सिंपल, अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। कॉन्सेप्ट में से सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी जो है वो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से पॉलिटिक्स को रन करना है, गवर्नमेंट को रन करना है, उसकी डिसीजन मेकिंग किस तरह से करनी है। इसके अलावा इसकी जो इम्पोर्टेंस डेमोक्रेसी की ये है कि सिटीजन्स जो उस किसी जो जिस भी जगह की वो है डेमोक्रेसी है उसके सिटीजन्स की फेयर फ्री और फेयर इलेक्शंस किस तरह से करनी है, मतलब कि होनी चाहिए, इम्पोर्टेंस उसकी ये है। और इसके अलावा सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन उस मुल्क में या उस जगह की, और इसके अलावा उनकी प्रोटेक्शन और उनके इंडिविजुअल्स और जो इसकी फ्रीडम्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स की किस तरह से प्रोटेक्शन करनी है, तो ये डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस में आता है। फिर है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो जस्टिस। जस्टिस जो है वो इस्लाम बहुत ज़्यादा जोर देता है जस्टिस के बारे में, कि मतलब कि एक आदिल हुक्मरान की भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की यहाँ हैसियत है और उसका अजर भी बहुत है। तो फर्दर अगर जस्टिस का टॉपिक आ जाता है फिर हम उसे अकॉर्डिंग टू रेफरेंसेस ऑफ इस्लाम दिखाएंगे आपको। अभी से हम इसकी कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस देख रहे हैं तो उस पर फोकस करते हैं। जस्टिस जो है वो एक मॉरल कॉन्सेप्ट है जिसकी इम्पोर्टेंस आप ऐसे देख सकते हो कि बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी शुड ट्रीट वन अनदर, कि हर किसी का जो हक है वो दिया जाए। जस्टिस का मतलब सिंपली ये है कि जो चीज़ जहाँ की है वहीं पे उसे रखा जाए। फिर आता है इट एम्फसाइज़ेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयरनेस, इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ। फिर है हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, वो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट है, और इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें इंडिविजुअल और सोसाइटी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से मतलब कि मिल सकें, या उनको नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी भी उनको ज़रूरत है वो उनको मिल सकें, ऑफ दी प्रेजेंट विदाउट कम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, मतलब कि उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। फिर है फोर्थ नंबर पे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो है एक सोशल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इंडिविजुअल और सोसाइटी की अप्रिशिएट और सेलिब्रेट डिफरेंसेस इन कल्चर, बहुत बहुत ज़्यादा कल्चर के लोग होते हैं, रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी लोगों की होती है, तो उनको एक्सेप्ट करना ये जो है इसकी मतलब कि मेन कॉन्सेप्ट अगर कहा जाए तो वो है डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, एक सोशलाइज जो है वो मुआशरा देखना। एम्पैथी, एम्पैथी जो है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल को जो है वो समझना और उसके जो भी एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स हैं दूसरों के उनको समझना। फिर है ओवरऑल, हमने सारे डिस्कस किए कॉन्सेप्ट्स को, जो एम्पैथी आ गया ना, उसकी नॉलेज जो है हमने देख ली। तो ये अगर ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ तो ये हमारा सिंपल ये है कि हमने समरी की तरफ या फिर कंक्लूजन की तरफ जाना है। कॉन्सेप्ट आर द इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज एंड कैन गाइड इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज इन देयर एक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग। फर्दर ये टॉपिक्स डिटेल में आएंगे तो हम जिसको डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक, दीन एंड इट्स रिलीजियस इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल। तो सबसे पहले जो है दीन की जो इम्पैक्ट इंडिविजुअल लाइफ पे कैसे पड़ेंगे,
दीन जो है एक अरबिक वर्ड है जिसके अगर मीनिंग देखी जाए तो वो एक है रिलीजन और दूसरा है वे ऑफ लाइफ। अल्लाह पाक ने हमें जो है वो दीन इस्लाम इसलिए भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से दीन इस्लाम को प्रैक्टिस करके दिखाया तो वे ऑफ लाइफ मतलब कि ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजारनी वो हमें दीन सिखाता है। In Islam, the term Deen refers to the entire system of beliefs, practices, and ethics that make up the Islamic faith. Islam overall, अगर दूसरे religions को देखा जाए तो वो सिर्फ जो है practices और ethics इन पर ध्यान देते हैं, लेकिन दीन इस्लाम जो है वो overall हमारे सारे जो life का cycle है उसे cover up करता है, जिसमें हमारी beliefs अलग से आती हैं, practices और Islamic faiths और दूसरी चीज़ें भी। फिर आता है impact जो है individual पर कैसे पड़ता है। इंडिविजुअल पे जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, जिसमें इन टर्म्स ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स और इन टर्म्स देयर ऑफ डेली लाइफ। आप सल्लम ने जो भी अमल हमें सिखाया तो वो हमारा दीन भी मुकम्मल करती है और हमारे जो दुनिया के काम है वो भी कंप्लीट कर मतलब कि उनमें भी बरकत और ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर है मुस्लिम्स के लिए, फॉर मुस्लिम्स प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन मीन्स फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ द कुरान। मुस्लिम्स के लिए जो अगर मतलब कि दीन को किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो हमें कुरान पाक सिखाता है, और इसके अलावा द होली बुक ऑफ इस्लाम जो होली बुक है, उसके अलावा जो है आप सल्लम की हदीस, और आप सल्लम जो है वो मेन एग्जांपल है हमारे लिए कि किस तरह से हमें दीन इस्लाम को लेकर चलना है। फिर आता है कि दीन जो है वो रिलीजियस इम्पैक्ट्स उसके क्या होते हैं। रिलीजियस इम्पैक्ट्स में से सबसे पहले जो है वो दीन और इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, किस तरह से जो है इस्लाम के किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, दीन सबसे पहले हमें ये सिखाता है। फिर है इन इस्लाम दीन इज़ नॉट सिंपली अ सेट ऑफ इंडिविजुअल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बट अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ गाइडेंस। ओवरऑल हमारा जो है वो इस्लाम सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारे इश्यूज जो भी दुनिया के हैं वो उसमें हमें गाइड करता है। फिर थर्ड नंबर पे जो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एम्फसाइज़ेस द यूनिटी ऑफ एंड इक्वालिटी ऑफ द ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये जो दीन इस्लाम है वो हमें हर एथनिसिटी, हर रेस, हर सोशल स्टेटस से बालातर करता है, और हमें ह्यूमन बीइंग्स मतलब कि इंसानों की रहनुमाई और इंसानों का ख्याल जो है वो हमें दीन इस्लाम सिखाता है। फिर आता है दीन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फोकस जो है वो फैमिली की वैल्यूज़, और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्गर कंट्रीब्यूशंस जो हैं हम इस फैमिली के लिए करते हैं, फैमिली को यूनाइट रखना, स्टेबिलिटी कम्युनिटी के लिए स्टेबिलिटी रहना, सोशल जो है सोसाइटी को अच्छा करना, तो ये सारा जो है हमें दीन इस्लाम जो है वो सिखाता है। फिर इसके बाद आता है स्पिरिचुअल मोरल और जो है सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं। इस्लाम जो है एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, अगर आप इसे कंप्लीट वे ऑफ लाइफ कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। और दीन दैट इनकम्पासेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सन्स लाइफ इंक्लूडिंग देयर स्पिरिचुअल मोरल एंड सोशल डायमेंशंस, हर चीज़ को कवर अप करता है। इसकी टीचिंग्स में हमें जिस तरह से आप सल्लम ने भी बहुत सारे मामला जो हैं वो हमें सिखाए हैं। फर्दर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है फिर हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको क्वेश्चन में डालना है। Which provide guidance on how Muslims should live their lives and interact with others. Spiritual, moral और social overall अगर देखा जाए तो कुरान और सुन्नत जो है हमें guide करती है कि for example अगर moral आपको दिखाना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से अपना अखलाक का आलम और दर्जा जो है वो दिखाया, और socially आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे interact भी करते थे, और spiritually जिस तरह से आप सारी सारी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे। फिर आता है इंडिविजुअली इसको डिस्कस करते हैं तो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट पे जो है वो हम डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम पे। इस्लाम के जो फाइव पिलर्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले जो है इस्लाम का फर्स्ट पिलर डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, कि आपको डिक्लेयर करना है कि आपको मतलब कि आपका फेथ क्या है, आपका ईमान क्या है, आपका यकीन किस पे है। तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो डिक्लेरेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर सेकंड नंबर पर ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स के जो है नमाज जो है वो लाजिम है, फर्ज है। थर्ड नंबर पर कि कंपलसरी गिविंग मतलब कि आपने ज़कात अदा करनी है।
फोर्थ नंबर पे आपका आता है फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में आपने रोज़े रखने हैं। एट द लास्ट पिलग्रिमेज टू मक्का, मतलब कि हज का जो सफ़र है आपका, जो मतलब कि इम्पोर्टेंस रखता है। ये तो हमारा थोड़ा सा ओवरऑल, फिर हम थोड़ा सा ब्रीफ में जाके इसको देखते हैं। बेसिक बिलीव्स इस्लाम के जो हैं, बिलीव्स इन अल्लाह जो अभी मैंने आपको बताया, फिर सेकंड नंबर पर बिलीव इन द प्रॉफिट हुड। तो मैंने इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज में बहुत ज़्यादा इसको देख चुकी हूँ। तो अल्लाह ताला पे ईमान, फिर सेकंड बिलीव, प्रॉफिट्स जो भी आए ह्यूमैनिटी को गाइड करने के लिए, उन सब पर ईमान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। फिर है बिलीफ इन द होली बुक, जो भी मतलब कि कुरान पाक है उस पर भी, और इसके अलावा तौरात, जबूर और इंजील, जो भी आई बुक्स उन पर भी बिलीफ रखना। फिर बिलीफ इन द एंजल्स, एंजल्स पर बिलीफ रखना। फिर आता है बेसिक बिलीफ में से डे ऑफ जजमेंट, मतलब कि कयामत का दिन आना है और हर किसी ने अकाउंटेबल अल्लाह ताला के सामने होना है, और जिन जिनों जिस जिसने अच्छी मतलब कि नेकियां की होंगी या फिर उन्होंने गुनाह किए होंगे, हम सबको अल्लाह ताला के यहाँ पेश होकर उनका अकाउंटेबल होकर उसका रिवॉर्ड जो है उसके हिसाब से, जो भी जिसके अहमाल होंगे उसके हिसाब से होगा। फिर है बिलीव इन द डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब कि कज़ा व कदर पर यकीन रखना कि तकदीर जो है वो लिखी गई है और वही होगा जो तकदीर में लिखा हुआ है, तो इस पर भी बिलीव होना बहुत ज़्यादा लाजिम है। अब है हमारा टॉपिक अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। इसका जो अगर बेसिक मीनिंग निकाली जाए तो इसका मतलब है, अमर का मतलब है आपने हुक्म देना है, मारूफ का मतलब कि अच्छाई का, और आपने बुराई से मना करना है। तो ये भी इस्लाम का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है बिलीफ में से अगर कहा जाए तो है, ताकि इंसान जो है वो बुराई से रुक जाए। बुराई तो मतलब कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल होती रहती है, उसको मना करना वो बहुत ज़्यादा मतलब इस दौर में अगर कहा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है। सो अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इस्लाम दैट रिलेट टू द ड्यूटी ऑफ मुस्लिम्स टू प्रमोट गुड एंड फॉरबिड एविल। तो ये जो है सब मुसलमानों को याद रखने की ज़रूरत है कि ये हमारी ड्यूटी है। अगर कहा जाए तो उम्मत वसत, मतलब कि हम जो दरमियानी उम्मत है कयामत से पहले आने वालों की, और जो कयामत से पहले आए उनकी, और कयामत तक जो लोग आएंगे उनसे, तो हम दरमियानी हैं, तो ये हम पे लाजिम है। फिर ये है कि अमर बिल मारूफ जो है वो ऑब्लिगेशंस ऑफ मुस्लिम्स टू इनकरेज गुड डीड्स एंड वर्चूज इन सोसाइटी, दिस कैन बी डन बाय टीचिंग्स एंड स्प्रेडिंग नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, इनकरेजिंग चैरिटेबल एक्ट्स एंड सोशल वेलफेयर, एंड प्रोमोटिंग जस्टिस, इक्वालिटी एंड कंपैशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हमें इंडिविजुअली जो है वो पूरा करना है, और ओवरऑल अगर साथ मिलके पूरा करें तो एक एज ए सोसाइटी हम बहुत अच्छा जो है वो अपना जो भी खोई हुई हमारा है वो हम लौटा सकते हैं। फिर आती है वह नहीं अनिल मुनकर पर, वही नेकी का हुक्म देना तो समझ में आता है, बुराई से कैसे रोकें। इस पर होता है कि अगर आपने बुराई से रोकना है तो सबसे पहले आपने जो है वो अपने हाथ से बुराई रोकनी है। अगर आप अपने हाथ से नहीं रोक सकते तो आपने अपनी ज़बान से बुराई रोकनी है, और अगर आप अपनी ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो आपने दिल में उस बुराई को बुरा जानना है, और ये ईमान का बहुत ही कमतर दर्जा है, मतलब कि ईमान आज में थोड़ा बहुत भी मौजूद है। तो इस तरह से आप अपने ईमान को जो है वो जज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मतलब कि नॉलेज कि ये बुरा है, अल्लाह ताला ने इसको बुरा कहा है। सो थोड़ा सा बहुत रीड अप कर लेते हैं, रीड आउट रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ मुस्लिम्स टू फॉरबिड एविल एंड डिसकरेज इमोरल बिहेवियर। इमोरल गैर अखलाकी जो भी बिहेवियर है उसको डिसकरेज करना, दिस कैन बी डन बाय एक्टिवली डिसकरेजिंग हार्मफुल एक्शंस सच एज लाइंग, चीटिंग, थेफ्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रॉन्ग डूइंग। तो झूठ बोलने से, चीटिंग करने से, ये चीज़ें, इन चीज़ों से रोकना भी, मतलब ये भी एक बुराई है, इससे भी रोकना है। इसके अलावा इट ऑल्सो इन्वॉल्व स्पीकिंग आउट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ऑपरेशन एंड वर्किंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ सोसाइटी दैट इज़ बेस्ड ऑन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। तो ये जो है हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं सिंपली। फिर आता है
Together, Amar bil Maruf wa Nahi Anil Munkar represent an important aspect of Islamic teaching and practice and are considered essential for the development of a strong and just Muslim community. Muslims are encouraged to promote good and forbid evil in all aspects of their lives and to work towards creating a society that is based on the principles of justice, equality and compassion. So that's all for this topic. If you have any question regarding this concept of Islam, what is Islam, so you can comment in comment section. And if you want the references as well, then you can contact with us. So that's all. Thank you for watching our video. If you like our video, then like, share and subscribe our channel.